और हम पहले ही आपसे मना कर रहे हैं कि वाके पास मत जाओ, वाको स्वभाव ठीक ना है, वाके मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगा तो कहा करेगा? अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करने दे। ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आए। ललिता जैसे ही गई नंद भवन नंदगांव, ठाकुर जी अपनी गैया लेकर के नंद भवन से निकले, इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली, दे देव। ठाकुर जी भी सीधे बोले, मुंह पे ना आए। विशाखा बोली, कहा ना आए? बोले, जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूं? बोले, मुंह का पतो। तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना आए? बोले, अब वो तो कह दई मैंने। बोले, देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले, मुंह पे है ही ना, तो मैं कैसे दे दूं? बोले, दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले, तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपनों कुछ करूंगा ही ना, तू आके तो देखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली, फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में? बोले, या फेंट में सारो ब्रह्मांड बंद हो गया, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दूं? बोले, तुम कर दे। ठाकुर जी बोले, तेरे कहवे तो फेंट ना। बोले, कौन है तू? बोले, मैं विशाखा हूं। कौन विशाखा? मैं किशोरी जी की सहचरी हूं। तो मैं कहा करूंगा, मैं तू उनकी सहचरी है तो उनके फेंटे खोल, मेरे का खोले।